सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब भूल जाओ। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। जब तक जीना तब तक सीखना, अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। चिंतन करो चिंता नहीं, नए विचारों को जन्म दो। आज का पंचांग 28 अप्रैल 2024 दिन रविवार, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि, सुबह 8:22 तक रहेगी। इसके उपरांत पंचमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। मूल नामक नक्षत्र सुबह 4:49 तक रहेगी। इसके उपरांत पूर्वाषाढ़ा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय शाम 5:12 से 6:49 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:58 से 12:49 तक रहेगा। आज चंद्रमा धनु राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मेष राशि पर रहेंगे। वृषक राशि 28 अप्रैल 2024 दिन रविवार, आज का दिन वास्तव में महत्वपूर्ण है और उसमें संवेदनशीलता और सुख शामिल हो सकता है। किसी विशेष कार्य को पूरा करने के लिए अच्छा समय हो सकता है और आपको उसके लिए उचित प्रतिफल प्राप्त हो सकता है। संतान से शुभ सूचना मिलने से घर का माहौल खुशहाल भरा रह सकता है और अविवाहित लोगों के लिए नए रिश्ते आने की भी संभावना है जो उनके जीवन में नई खुशियों का संचार कर सकते हैं। यह अवसरों का संदेश हो सकता है और उन्हें ध्यान में रखने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। आपको घरेलू मामलों पर भी थोड़ी चर्चा करने की आवश्यकता हो सकती है, शायद कुछ मीटिंग की भी जरूरत हो सकती है। आप अभी पारिवारिक मुद्दों को सुलझाना चाहते हैं क्योंकि यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। किसी बड़े स्तर की योजना पर निर्णय ले सकते हैं। अपने पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताएं। आज के यह दिन आपके लिए बेहद भाग्यशाली सिद्ध होने वाला है। परिश्रम के कुछ अतिरिक्त घंटे आपको धन और प्रसिद्धि दिलाएंगे। आपको जो मिल रहा है आप सच में इसके लायक है। जीवन के प्रति आपका रवैया यह तय करता है कि आप भविष्य में क्या बनेंगे, तो हमेशा सकारात्मक रवैया ही रखें। आप अपने विस्तृत होते हुए परिवेश के बारे में बहुत अच्छा अनुभव करेंगे, लेकिन आपके परिजन इसी को लेकर निराश होंगे। जो आप करना चाहते हैं उसके लिए संयम को समर्पित कर दें, पर्दे के पीछे काम ना करें। आप जो भी कर रहे हैं उसके बारे में जानने दें। अपने जीवन में आए किसी नए दोस्त से आपको काफी लगाव का अनुभव होगा। आपकी शाम कई जज्बातों से घिरी रहेगी और इसीलिए तनाव भी दे सकती है, लेकिन ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपकी खुशी आपके निराशाओं के मुकाबले आपको ज्यादा आनंद देगी। जिन लोगों को आप जानते हैं उनके जरिए आपको आमदनी के नए स्रोत भी मिलेंगे। घर में कुछ बदलाव लाने के लिए पहले बाकी लोगों की राय भली भांति जान लें। आज आप अपने किसी वादे को पूरा नहीं कर पाएंगे जिसकी वजह से आपका प्रेमी आपसे नाराज हो जाएगा। छात्र छात्राएं आज अपनी कीमती समय का दुरुपयोग कर सकते हैं। आप मोबाइल या टीवी पर आवश्यकता से अधिक समय जाया कर सकते हैं। अगर आप और आपका जीवन साथी खाने पीने पर ज्यादा ध्यान देंगे तो सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए आज किसी पार्क या जिम में जा सकते हैं। लोगों से मिल रही मदद आप स्वीकार करें। काम की गति धीमी रहेगी लेकिन आपका काम आपको प्रसन्नता देगा। लोगों से मिल रही सूचनाओं पर ध्यान जरूर दें। किसी समस्या का समाधान हो सकता है। निर्णयों को अमल में लाते समय कठिनाइयां हो सकती है। भावनाओं पर नियंत्रण बनाए रखें। आज नौकरी करने वाले लोगों के लिए सकारात्मक समय की शुरुआत हो सकती है। नौकरी में बदलाव करने की इच्छा है तो आप प्रयत्न जरूर करें। सावधानियां, आज विद्यार्थी तथा युवा वर्ग गलत प्रवृत्ति के दोस्तों और गतिविधियों से दूर ही रहें, वरना इससे उनकी पढ़ाई और करियर बाधित हो सकती है। किसी भी तरह का गैर कानूनी कार्य में रुचि लेना आपकी
मानहानि का कारण भी बन सकता है, ख्याल रखें। बात करते हैं लव लाइफ की। आज अब दिल के मुद्दों को लेकर पूरी तरह से बेफिक्र रहें, क्योंकि आपको अपने इस संबंध और अपने साथी पर पूरा विश्वास है। किसी खास का प्यार पाकर आप स्वयं को भी भाग्यशाली महसूस करेंगे। इस प्यार से मिले इंद्रधनुषी रंग आपका जीवन सवार देंगे। आज आपके पास कुछ अतिरिक्त पैसे भी हैं और आप यह सोच रहे हैं कि उनका क्या करें। सही से निर्णय लें। आज कंजूस बिल्कुल न बनें और अपने साथी को कोई उपहार जरूर दें, और साथ ही अपने रोमांटिक भावनाओं को भी व्यक्त करें। इससे आपका रिश्ता मीठा और स्पाइसी हो जाएगा, जिसका होना बेहद जरूरी है। आज भावनात्मक रूप से आक्रामक मूड में भी हो सकते हैं, और ऐसा हो सकता है कि कोई भी काम या बात आपकी भावनाओं को भड़का दे और आप ऐसी प्रतिक्रिया दे बैठे जिसका कोई तुक ना बनता हो। आज आप छोटी छोटी खुशियों और किसी की सहायता को भी बड़ी बात मानेंगे। अपने पार्टनर को आप अपनी सॉफ्ट साइड दिखाएं। मानसिक और भावनात्मक रूप से संवेदनशील होना भी संबंध को मजबूत बना सकता है। आपके संबंध में एक नया और गहरा संवाद स्थापित हो सकता है, जिससे आपके साथी को आपसे और भी अधिक संबंधित महसूस होगा। बात करते हैं करियर की। आज आप अपने काम में आए व्यवधान से उदासीन महसूस कर सकते हैं। घर या घरेलू मामलों में समय व्यतीत करना होगा, साथ ही पिता की समस्याओं को फिर सुलझाएंगी। मिट्टी पानी या कृषि से संबंधित कार्य आज पूरे हो सकते हैं। जीवन में गलतियां न ढूंढें, बल्कि उनके उपाय ढूंढें। आर्थिक रूप से आज के दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा है। आपको ऐसी बातों या पॉइंट्स के बारे में सोचना चाहिए जिससे आपका कार्य आज उत्पाद अन्य लोगों से अलग बने। चिंता ना करें और आगे बढ़ें, आपको मंजिल आज अवश्य मिलेगी। बड़े रोजगार के अवसर आपका इंतजार कर रहे हैं। ध्यान से इस बारे में सोचें और आपके पूर्ण संतुष्ट होने पर अपने करियर की दिशा परिवर्तित करें। आपका सहकर्मी नौकरी को त्याग सकता है और उसकी जगह आप किसी जरूरतमंद को अपने यहाँ काम पर लगवा सकते हैं। हालांकि आप अवगत नहीं है, लेकिन आपके मूल्य काफी उच्च स्तर के हैं। आपके वेतनमान में बढ़ोतरी की भी आज संभावना रहेगी और आपकी वित्तीय स्थिति भी मजबूत होगी, चाहे आप किसी भी पद पर हों। व्यवसायिक क्षेत्र में अपनी उपस्थिति को सुरक्षित रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। मतभेद अक्सर होते हैं, लेकिन उन्हें समझे और समाधान करने के लिए व्यवसायिक दक्षता और संवेदनशीलता की आवश्यकता होती है। मिलकर काम करने की योजना बनाना सहयोगियों और कर्मचारियों के बीच संचार को मजबूत कर सकता है। इसके अलावा नौकरी पेशे लोगों को अपनी फाइलें और दस्तावेजों को संरक्षित और सुरक्षित रखने के लिए सतर्क रहना चाहिए, जिससे उनकी कार्यशैली पर प्रभाव पड़े। इस प्रकार की सावधानियों से व्यवसायिक संगठन का सुखद और समृद्ध वातावरण बनाए रखना संभव हो सकता है। बात करते हैं सेहत की। दूसरों के बारे में सोच कर खुद को तनाव बिल्कुल ना दें, क्योंकि जब तक आप यह सब करते रहेंगे पूरी तरह व्यर्थ के सोच विचार और चिंता से उभर नहीं पाएंगे। अगर दवाइयों से अधिक फायदा नहीं हो रहा है तो किसी विशेषज्ञ से सलाह लेना भी ठीक रहेगा। अपने आप को बिल्कुल भी तनाव ना दें। आज का उपाय। आज अब भगवान सूर्य देव को रोली अक्षत सुपारी फूल आदि चढ़ाएं, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।